अभी सुबह के हुए हैं 10 o'clock। मैं 9:30 पे उठ गई थी, तो फिर ये हमारे घर आया फ्रेश मिल्क। और गैस करेंगे बोला कि किस लिए आया है, इसका क्या बनने लगा है। इसमें मैंने किया शुगर ऐड और मैंने इसे फ्लेम किया मैंने नॉर्मल हाई पे, और ये बन रहा है। गैस करें ना भला क्या होगा, नो आइडिया। दिस इज बोली। यू नो बोली क्या होती है, वो जो गाय जब गाय के घर में भी पैदा होता है तो उसका जो मिल्क फ्रेश होता है उससे बनती है ये बोली, मज़ेदार टेस्टी। और ये हमारे घर आई है, भाई का फ्रेंड लेके आया है, तो अभी मैं इसे मेक कर रही हूँ। जल्दी से पहले मेरे चैनल को कर दे लाइक, और जो मेरे चैनल पे न्यू आया हो जल्दी जल्दी प्लीज़ कर दे सब्सक्राइब। और ढेरों दवाओं के साथ आज मॉर्निंग का करते हैं आगाज़। तो ये मेरी बन रही है बोली, ये देखिए माशाल्लाह रेडी हो रही है। इसका बड़ा टेस्ट आता है जब इसे आप फ्रिज में रख के ठंडा करके खाएं, बहुत चिल इतनी यमी लगती है, हमारी तो फेवरेट है। हम तो स्पेशल मंगवाते हैं, भाई को बोला हुआ था, भाई आज ही बनेगी है भाई को, तो ये ले ली फ्रेश अभी बनाई और खाएं। अभी मैं इसे बना रही हूँ, ये देखिए खोए खोए की तरह लग रही है ना, अभी ये हो जानी है रेडी। फिर इसे करेंगे थोड़ा कूल, फिर ये जाएगी फ्रिज में, फिर ये हो जाएगी चिल, और फिर हम करेंगे नोश। ओके गाइस, ये थी 1.5 liter जो मिल्क आया था हमारा, और इसमें मैंने 1/2 liter वाटर ऐड किया। वो कह रहे थे कि 1/2 liter वाटर ऐड कर लेना फिर इसे बनाना, और 1/2 liter वाटर ऐड करने के बाद ये देखिए इसकी थिकनेस, ये वाह अभी ये बन रही है। ये आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि अभी ये होगी थोड़ी कूल होगी, फिर मैं इसे रखूँगी फ्रिज में, जब ये चिल होगी फिर मैं ईट करूँगी। तो ये वीडियो इधर ही मैं स्टॉप कर दूँगी, अभी तो नहीं, अभी मैं जब रेडी करके बताऊँगी फिर स्टॉप करूँगी, फिर जब मैं इसे ईट करूँगी फिर आपको मेरे चैनल पर ऑलरेडी इसकी वीडियो मिलेगी, फिर आप ऐसे ही बनाइएगा और खाइएगा। ओके मज़े ले लेके खाइएगा, मज़े करवाइएगा। ये देखिए अब रेडी हो चुकी है, ये देखिए माशाल्लाह अभी हो रही है रेडी, इसके फूल फूल बन जाने हैं, ऐसे मोटू मोटू गुगले गुगले से फूल बनेंगे, ये देखिए माशाल्लाह। फ्लेम थोड़ा कर देते हैं स्लो, और सुनाए आज वेदर भी माशाल्लाह अच्छा है, अभी तो धूप नहीं निकली हुई, अच्छा ही है बस, शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जब चिल होगी ना इसका बड़ा मजा आता है, आपने खाया ऑलमोस्ट मेरे हाल में तो लोग खाते ही होंगे, हर एक के घर में आती होगी, लेकिन कम ही आती है क्योंकि जब ये गुज्जर लोग हैं तो गुज्जर जिनकी पैसे ज़्यादा होती है उधर से ये मिल जाती है। तो हम मिल्क लेते हैं, फिर भाई ने बोला हुआ था ना तो अब वो आई है, तो भाई को फ्रेश फ्रेश लेके गया, ये ले फ्रेश फ्रेश बनाएं और खाएं। ये देखिए जी, ये देखिए सही कुक हो चुकी है, ऐसे इसने रेडी होना, कैसी है ज़बरदस्त ना। जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी ना, आज जो मेरी वीडियो रेडी होगी, जो मेरी रेसिपी होगी खाने की, उसके साथ फिर मैं इसे भी ईट करूँगी, आपको बताऊँगी, तब तक ये चिल हो चुकी होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच किया करें, इसे लाइक किया करें, इसे शेयर किया करें, प्लीज़ जल्दी जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर बनाएं, मेरे वॉच टाइम बनाएं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मेरे प्यारे क्यूट से व्यूवर्स हैं, मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आप मुझे करेंगे सपोर्ट तो मैं आगे जाऊँगी ना, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ आपके साथ, मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ। जो यूट्यूबर वाले हैं प्लीज़ आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना, मुझे भी लाइक किया करें, मैं भी आपकी फ्रेंड बन चुकी हूँ, आपकी फैमिली का एक पार्ट बन चुकी हूँ,
और ढेरों दुआएं आप सबके लिए जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, उन सबका शुक्रिया, मेहरबानी। और अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर आ जाऊंगी मैं और शकर। तब तक के लिए मुझे शकर को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।